एमपी सिविल जज का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सिलेबस का अच्छे से पता होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस का एक ओवरव्यू, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एमपी सिविल जज का सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। यह 3 स्टेज के बाद ही आप एमपी सिविल जज के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। एमपी सिविल जज के सिलेक्शन प्रोसेस में प्री के सिलेबस को समझते हैं। प्री का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। यह 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 150 क्वेश्चन पाए जाते हैं, 150 मार्क का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं पाया जाता। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। इसके सिलेबस का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपके ग्रेजुएशन के समय लॉ में आप जो भी सिलेबस पढ़े हैं वही आपका पूरा सिलेबस होगा, क्योंकि इसमें पूरे जो लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं वही पाए जाते हैं। ग्रेजुएशन के समय आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उसी में से आपके पूरे क्वेश्चन इसमें आएंगे। सेकंड पार्ट में चलते हैं, जिसमें आपका जीके, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ओवरव्यू, यह 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 150 क्वेश्चन पाए जाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और 150 मार्क का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। प्री एग्जामिनेशन पास आउट होने के बाद आपको मेंस के लिए एग्जामिनेशन देना होता है। एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसका ओवरव्यू देखा जाए तो इसमें 4 पार्ट में इसे डिवाइड किया जा सकता है। इसमें 4 पेपर होंगे, मतलब इसमें 4 पेपर पाए जाएंगे। हर एक पेपर का 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसे 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। एंड इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं पाया जाएगा। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिविल लॉ, जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। राइटिंग स्किल, कोर्ट प्रोसीजर, करेंट लीगल नॉलेज 100 मार्क्स का पाया जाएगा। क्रिमिनल लॉ, जो आपका 100 मार्क्स का पाया जाएगा। राइटिंग, यह भी 100 मार्क्स का पाया जाएगा। हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा एंड इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं पाया जाएगा।